पिछले वीडियो में हमने जोड़ घटाव और गुणा सीखा। आज हम लोग भिन्नों का भाग सीखेंगे। क्वेश्चन होगा 11/15, जहाँ जोड़ का चिन्ह देते थे, घटाव का चिन्ह देते थे, गुणा का चिन्ह देते थे, वहाँ पे अब क्या हो जाएगा? भागा का चिन्ह। तेरह बटा 20, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो भागा के पहले वाले अंक को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, 11/15, तो 11/15 ही लिखेंगे। भाग से क्या करते हैं, अब गुना बदलते हैं, तो भाग को गुना बदलेंगे। तो जब गुना बदलेंगे तो उसके बाद वाले अंक को स्थान चेंज हो जाएगा, हर को अंश बना देंगे और अंश को हर, यानी ये हो जाएगा 20/13। अब क्या, अब हम लोग पहले पिछले वीडियो में तो हम लोग जान चुके हैं कि गुना कैसे बनाते हैं, गुना की तरह इसको फिर बना देंगे। क्या करेंगे, जो भी काटेंगे, जब भी काटेंगे तो अंश से हर को ही काटेंगे, चाहे ऊपर नीचे काटे या तिरछा तिरछी काटे, कोई दिक्कत नहीं है। काटेंगे 5 से काटेगा, दोनों देख लेंगे, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 × 20, 5 से काटेंगे 5 × 15, और कहीं कटेगा देख लेंगे, 11, 13, 4, 3, कहीं नहीं, कोई भी अंक अब नहीं कट रहा, ना ऊपर और ना नीचे। क्या करेंगे, जैसे हम लोग गुना को बनाते थे, ऊपर वाले अंक को ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले को नीचे से गुना, अगर लिखना हो तो लिख देंगे 11 × 4/3 × 13 = 11 × 400 करेंगे आ जाएगा 44, 13 × 3 गुना करेंगे 13 × 3 = 39। इसी को हम लोग आगे भी पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त भिन्न या पूर्णांक को बदलना। हर अगर कम हो और अंश अधिक हो तो हम उसको पूर्णांक में बदल सकते हैं, जैसे 39 से 44, यानी 39 हमारा हर है, 44 अंश है, भागा देंगे। जब भी भाग देंगे तो अंश को हर से भाग दे रहे हैं, तो 39 × 39 कितना आएगा, 10 × 4 = 14, 14 × 9 जाएगा 5, यहाँ बचा 3, 3 × 3 जाएगा कुछ भी नहीं। पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, पूर्णांक को ही हम लोग बोलते हैं संयुक्त भिन्न, यानी जो भागफल आएगा उसको लिखेंगे 1, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। अंश जितना शेष बच गया उसको बोलते हैं अंश, और जो हर पहले था हर में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/5/39। अब ये सही है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए 39 से 1 में क्या करते हैं, गुना करते हैं, और ऊपर वाले को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर वो सही आ गया जो पहले हमारा अंश था तो सही है, नहीं आएगा तो इसका मतलब आपका पूर्णांक निकाला हुआ गलत है।